मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि वो जल्दी से जल्दी टोल नाका कैसे हटाया जाए, और मैं मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। मैडम, नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात हुई है, टोल नाका हटाने को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या उनसे? देखिए, वैसे उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि इस तरह से करने से टोल नाका हट सकता है और हमारा उस पर काम शुरू है, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कि मैं कुछ कहूँ कि उस टोल नाका के बारे में कुछ ठोस हमें मिला है। लेकिन यस, वो बहुत पॉजिटिव है कि इसको यहाँ से कैसे हटाया जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि गीता जैन जी ने, जो कि मीरा भाईंदर की विधायक है, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी दहीसर टोल नाके हटाने को लेकर पॉजिटिव है। गीता जैन जी ने हाल ही में नितिन गडकरी जी से, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनसे मुलाकात की थी। मीरा भाईंदर के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की नितिन गडकरी जी से, जिसमें से एक मुद्दा दहीसर टोल नाके का भी था। दहीसर टोल नाके की वजह से मीरा भाईंदर की जनता को काफी समस्या होते आ रही है और अभी भी हो रही है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो या फिर छोटे से डिस्टेंस के लिए टोल की समस्या हो। सालों से मीरा भाईंदर की जनता टोल देते आ रही है, ट्रैफिक भी होती है, इस तरह की समस्या दहीसर टोल नाके की वजह से मीरा भाईंदर की जनता को फेस करनी पड़ती है। तो इस समस्या को लेकर गीता जैन जी ने ये भी कहा, टोल नाका हटाने को लेकर वो लगातार प्रयासरत है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखते हैं दहीसर टोल नाका हटता है कि नहीं, क्योंकि गीता जैन जी के मैनिफेस्टो में भी दहीसर टोल नाका हटाने को लेकर बात थी। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गौड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।